नमस्कार दोस्तों, मैं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है एमबीबीएस इन रसिया 2024। अब क्या अपडेट है और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आप देख रहे हैं रूप, उससे चांसेस लग रहा है कि रीनीट का कम चांस लग रहा है। तो अब जो बच्चे उराल, ओम्स, आईकेबी, उसू में एडमिशन लिए थे, तो क्या सिनेरियो बन रहा है? अब आपके पास क्या ऑप्शन है? और मैं बात करूंगा ओम्स का, और ये जो पेपर हुए हैं और जो चल रहे हैं उसमें बहुत सारे चांसेस है कि आपके मतलब आप फेल हो सकते हैं। क्योंकि उराल की अगर बात करें, मैंने आपको यहाँ हेडिंग दिया है उराल ब्लास्ट, क्योंकि इसका जो पेपर आया है वो काफी टफ है, जो एक्सपेक्टेशन नहीं था। और पिछले साल काफी इजी था, यूनिवर्सिटी ने भी लोगों को बोला था कि हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कि पेपर हार्ड है और अलग अलग टेक्निकल इशू भी आ रहे हैं, जिससे बच्चे थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि सर्वर क्रैश हो या कोई और टेक्निकल इशू हो, तो ये आए हैं पेपर में। और जो पेपर की लेवल है वो काफी है, और उराल में खास करके बात करें तो बच्चे इतने अप्लाई कर दिए थे, और मतलब सीटें 250-300 है और अप्लाई 1000 है, तो आप समझ सकते हैं 700 बच्चे को बाहर होना है। तो ये बच्चे अपना बैकअप लेके चले, तो क्या आपके पास बैकअप है? ठीक है, और कहाँ सीट वैकेंट है जहाँ आप ऑप्शन लेके चल सकते हैं? तो मैं आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ जहाँ अभी भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी, 353,000 ट्यूशन फी है। क्रासनयार से आप चूज कर सकते हैं, 319,000। हॉस्टल सिर्फ 12,000, ये रूबल में बता रहा हूँ। ठीक है, नॉर्थ कोकेशियन, ठीक है, 3,00,000 ट्यूशन फी। तवेर 3,50,000, ठीक है, ये भी क्लोज होने वाला है। पास्को 290,000 ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल भी। ठीक है, और चिचिन 2,00,000 जो है। उल्यानस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 3,00,000 ट्यूशन फी है इसका। मर्दोबिया $4,500 ट्यूशन फी है। तो ये यूनिवर्सिटी है जो आप चूज कर सकते हैं बैकअप में। आप और भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, यू कैन कीप अ बैकअप ऑफ उज्बेकिस्तान ऑल्सो, जहाँ 100% कन्फर्म गारंटी है, कोई टेस्ट नहीं होता एग्जाम के लिए, कोई मतलब एडमिशन के लिए कोई टेस्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लाइसेंस के लिए कोई एग्जाम नहीं है, जैसे रशिया में आपका एमबीबीएस कंप्लीट करने के लिए के बाद लाइसेंस के लिए आपको अलग से एक एग्जाम देना पड़ेगा, वो रशियन लैंग्वेज में होगा, यहाँ पे नहीं है। तो हम सारे का अभी देख लेते हैं। ये किरो में अभी है सीटें और ये ओपन है, ठीक है, और नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी ये है, यहाँ ओपन है। ठीक है, कबार्डिनो जो है ये क्लोज हो गया। ठीक है, आपको पूरा मैं डिटेल बता दे रहा हूँ यूनिवर्सिटी वाइज। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, और ये आपका क्लोज हो गया। ठीक है, केब्रो स्टेट ऑलरेडी सीट फुल है, ये भी क्लोज है। उल्यानस्को ये ओपन है, 3,00,000 ट्यूशन फी, 60,000 हॉस्टल। ठीक है, नॉर्थ ओस्टेशियन की बात करें तो 3,00,000 ट्यूशन फी है। ठीक है, ये ओपन है, क्रीमिया ओपन है। ठीक है, और बात करें तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ कुछ सीटें हैं अभी, और साइबेरियन एक तरह से फुल है, एक दो सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, उराल की बात करें तो यहाँ जो है बच्चे बाहर ही होंगे, क्योंकि आप एग्जाम में देख लिए तो इन्हीं को बैकअप लेना है। ठीक है, केम्ब्रो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 25th लास्ट है, 2,50,000 ट्यूशन फी, 30,000 जो है इसका हॉस्टल है, लेकिन यहाँ भी हॉस्टल का शॉर्टेज है, गवर्नमेंट हॉस्टल है ही नहीं यहाँ। प्राइवेट जाने के बाद बच्चे कैसे अरेंज करेंगे वो बाद की बात है। 2,00,000 ट्यूशन फी, 50,000। ठीक है, ये भी एक तरह से क्लोज हो गया है। ठीक है, नॉर्थ कोकेशियन ओपन है, 3,00,000 ट्यूशन फी, 12,000 हॉस्टल है, 12,000 से 15,000। ठीक है, और ओम्स क्लोज है। ठीक है, कुबान भी क्लोज है। ठीक है, चेचेन ओपन है, बहुत ले यहाँ भी चीजें कुछ कम बची हुई है, 40,000 ट्यूशन फी है। कोई कम आपको बताता है तो उसको आपको बिलीव नहीं करना है, क्योंकि 35,000 रूबल जो है इसका अप्रोक्स मंथली है। ठीक है ना, जेगिस्तान कम्युनिटी प्रॉब्लम है तो जाना नहीं आपको। पेट्रोजा बस क्लोज है, समारा क्लोज है, क्रैसनयार्स का मैंने ओपन बताया, यहाँ फटाफट आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। और ओरेल का बताया, अगर एडमिशन भी ले लिए हैं तो यहाँ देखिए प्रॉब्लम है, तो यहाँ आपको अवॉइड करना है। ठीक है ना, पास्को सस्ते में यहाँ भी जा सकते हैं, 2,90,000। जो रसिया की अभी जो ऑप्शन है आपके पास, येरो सलावल हॉस्टल प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ सीटें नहीं भर रही है। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी का स्टेटस है दोस्तों। और कोई भी क्यूरी है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को। ये हमारा टीम है डॉक्टर विजय कुमार MD MBBS MD, और डॉक्टर पंकज यादव
इंजीनियर अमित कुमार और माई सेल्फ इंजीनियर उदय कुमार, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है जिसपे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जेन्युइन फीडबैक ले सकते हैं। रशिया में दोस्तों जितने भी बच्चे हैं, और मैं आपको बार बार बोलता हूँ एजेंट हिजेंट से सावधान रहिए और कंपेयर कीजिए पैकेट, रशिया के जितने भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे एग्जाम होता है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा कहीं ऐसे है जैसे कुछ जगह ऑफलाइन हो रहा है तो वहां जाके आपको एग्जाम देना होता है, कुछ जगह ऑनलाइन होता है, ठीक है। कुछ वैसे यूनिवर्सिटी है जहां पे उतने ही एडमिशन लेटर निकलते हैं जितना आज बच्चे वो ले ही लेते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। आप कृष्णास में भी आपका एग्जाम होना है दोस्तों, ठीक है, तवेर में भी एग्जाम होना है, ठीक है। पास्को में है कि आप वहीं गए और सेटल हो गए, मतलब एक फॉर्मेलिटी का एग्जाम होता है जाके वहां, तो फेल होने का उसमें कोई मतलब ही नहीं। मतलब चेचेन का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ पे भी एक एग्जाम है, ठीक है। तो रशिया में मोस्टली जो है बिना एग्जाम का आपका एडमिशन नहीं होता, ठीक है, लेकिन उज्बेकिस्तान में कोई एग्जाम नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उज्बेकिस्तान हो या कजाकिस्तान हो, यहाँ कोई एग्जाम नहीं होता। तो उज्बेकिस्तान भी रशिया का पार्ट रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी बच्चे बहुत चूज कर रहे हैं, तो यहाँ फिरगाना हो गया, एंडीजान हो गया, ठीक है, समरकंद हो गया, तो बच्चे यहाँ भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों डिटेल, और कोई भी रशिया के बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए, ठीक है, और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में अभी भी सीट खाली है। ये तो हम तो लो बजट की बात कर ले, जैसे कजान स्टेट, ठीक है, और बात करें वोरनबर्ग और बहुत जो महंगी महंगी क्रूस्क है, वो सारे सीटें खाली है अभी, तो वहां आप जो अगर बजट है आपका तो ज्वाइन कर सकते हैं। मेन मारामारी जो है लो बजट में है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय।